गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और आज हम पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी में जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो जीवों का नामकरण करने की जो आधुनिक पद्धति है उसे कहते हैं हम द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति तो किसी ज्ञात जंतु के समूह के लक्षणों के आधार पर जो हम किसी नए जंतु के लक्षणों को जान करके उसका नाम रखते हैं तो उसे नामकरण कहते हैं। इस नामकरण की जो द्विनाम पद्धति को दिया था उन वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लीनियस। इनका जन्म 1701 ईस्वी में हुआ था और इन्होंने इस द्विनाम पद्धति के बारे में बताया था 1707 ईस्वी में। इन्होंने नामकरण की इस पद्धति बताया कि जब हम जंतु का नामकरण करते हैं तो उस जंतु के नाम में दो नाम होते हैं, जिसमें पहला नाम उसके वंश का होता है और दूसरा नाम उसकी जाति का होता है। इस प्रकार से उन्होंने अनेक जंतुओं के नाम रखे जिसे द्विनाम पद्धति के अनुसार वंश के नाम को उसका जेनेरिक जेनेरिक नेम और जाति के नाम को उसका स्पेसिफिक नेम कहते हैं। किसी जंतु का नामकरण करते समय उसका जो वंश का नाम लिखा जाता है उसके वंश के नाम का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर लिया जाता है और बाकी सभी स्मॉल लेटर होते हैं, जबकि जाति के नाम में सभी लेटर्स स्मॉल होते हैं। और यदि ये नाम हस्तलिखित होते हैं तो इन नामों को के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है, और यदि ये नाम पुस्तक में छपे होते हैं तो ये पुस्तक में थोड़े तिरछे होते हैं। अब कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे कि जंतुओं के नाम द्विनाम पद्धति के अनुसार कैसे लिखे जाते हैं। जैसे हम लिखे थे बिल्ली का नाम, बिल्ली का जो नाम है वो हमारे भारत में इसको बिल्ली कहते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसी नाम से पूरे संसार में इसको जाना जाए। इसीलिए कैरोलस लीनियस ने जिस पद्धति का विकास किया उस पद्धति के अनुसार जब जीव का नाम रखा जाता है तो उसके द्वारा उसे पूरे संसार में जाना जाता है। तो बिल्ली का नाम है फेलिस इंडिका, फेलिस इंडिका, जिसमें कि फेरिस उसके वंश का नाम है और इंडिका उसकी जाति का नाम है। चीता का वैज्ञानिक नाम फेलिस टाइग्रिस, जिसमें फेलिस उसके वंश का नाम है और टाइग्रिस उसकी जाति का नाम है। हाथी का वैज्ञानिक नाम एलिफास इंडिकस, इसमें एलिफास उसके वंश का नाम है और इंडिकस उसकी जाति का नाम है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, जिसमें कि होमो उसके वंश का नाम है और सेपियंस उसकी जाति का नाम है। ये तो हो गए जंतुओं के नाम। अब कुछ पौधों के नाम भी देखते हैं, जैसे
मटर, जिसे मीठी मटर कहते हैं, इसका नाम है पाइसम सैटाइनम। पाइसम मटर के वंश का नाम है और सैटाइनम इसके जाति का नाम है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, कंपेस्ट्रिस जिसमें ब्रेसिका उसके वंश का नाम है और कंपेस्ट्रिस उसकी जाति का नाम है। इस प्रकार से हमने जाना कि जंतुओं का नामकरण कैसे किया जाता है और ये किसने किया। और पढ़ेंगे कि इस द्विनाम पद्धति का महत्व क्या है, इस द्विनाम पद्धति का महत्व हम समझेंगे। अब पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति का महत्व। यह परिक्रम, यह विभिन्न पद्धति वैज्ञानिक रूप से किसी जंतु के बारे में पूर्ण ज्ञान कराती है। जब हम किसी जंतु का उसकी जाति तक पूरा वर्गीकरण कर लेते हैं तो हमें उसके पूरे उस जंतु के सभी लक्षणों के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह पद्धति अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें जिस जंतु का नाम हम जानते हैं या जो भी इसका वैज्ञानिक नाम है उसी नाम द्वारा पूरे संसार में इसको जाने जाता है। अगर किसी जंतु का कोई स्थानीय नाम होता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसका स्थानीय नाम पूरे संसार में जाना जाए, लेकिन एक द्विनाम पद्धति द्वारा जो जीव का नाम होता है उस नाम द्वारा उसे पूरे संसार में जाना जाता है। ये इस द्विनाम पद्धति का महत्वपूर्ण लक्षण है। अब हम पढ़ेंगे इससे आगे जो अगला टॉपिक हमारा वर्गीकरण की कौन कौन सी इकाइयाँ हैं। मुख्य रूप से जो जंतुओं का वर्गीकरण किया था वो किया था कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस जिनको वर्गीकरण का पिताजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही जंतु चेत का वर्गीकरण किया था। तो वर्गीकरण की मुख्य रूप से छह इकाइयां हैं जिनमें सबसे पहली है जाति, दूसरी इकाई है वंश और तीसरी इकाई है कुल, चौथी इकाई है गण, पांचवी इकाई है वर्ग और जो छठी और सबसे अंतिम इकाई है वो है संघ। इस प्रकार से कैरोलस लीनियस ने एक जंतु के वर्गीकरण के लिए इन छह इकाइयों को चुना जिसमें जाति वर्गीकरण की सबसे सूक्ष्म इकाई है। जाति जंतुओं के उस समूह कहते हैं जिनकी रचना स्वभाव और व्यवहार में काफी समानता मिलती है। इस प्रकार से कैरोलस लीनियस ने समान रूप से लक्षणों में समान दिखने वाले सभी जंतुओं को एक जाति में रखा और अनेक जातियां जिनमें लक्षणों में समानता होती है उन सभी जातियों को एक वंश में रखा और ऐसे अनेक वंश जिनमें की अनेक जातियां होती हैं और उनके लक्षणों में समानता होती है उन सभी वंशों को उसने एक कुल में रखा और ऐसे वंश जिनके लक्षणों में समानता होती है उसे भी एक कुल में आ गए और ऐसे कुल जिनमें की गुणों में समानता होती है उन सारे कुलों में मिलाकर उन्होंने एक गण बनाया। और जब बहुत सारे गणों में समानता होती है बहुत सारे गणों को मिलाकर के
उन्होंने एक वर्ग का निर्माण किया, और जब बहुत सारे वर्ग जिनके की लक्षणों में समानता होती है या काफी ऐसे लक्षण जो मुख्य लक्षण होते हैं वो आपस में मिलते हैं, ऐसे वर्गों को मिलाकर उन्होंने एक संघ का निर्माण किया। इस प्रकार से अगर देखें तो इस वर्गीकरण में जो सबसे सूक्ष्म इकाई है वो जाति है। तो जाति किसी भी जीव जाति के लक्षणों का अध्ययन करके हमें उस जैसे अनेक जीवों की जानकारी विस्तारपूर्वक हो जाती है। इस प्रकार से कैरेटोस लिनियस द्वारा जो वर्गीकरण किया गया था उसके अध्ययन से किसी भी जंतु के बारे में जानकारी प्राप्त करना सरल रहता है। तो अब हम देखते हैं इस वर्गीकरण पद्धति के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो स्टूडेंट्स, मनुष्य वर्गीकरण पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। वर्गीकरण की इकाइयाँ कौन कौन सी थी और वर्गीकरण किसने किया, उनका नाम और कब इनका जन्म हुआ, 1707 ईस्वी में आज हमने पढ़ा। आपको आज का टॉपिक ठीक बार समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के। और आपको वीडियो समझ अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और हमारे कॉलेज का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।